क्या कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी मदद से वंडर शेयर फिल्मोरा जो है वो हमारे स्मार्टफोन पे चल सके। वंडर शेयर फिल्मोरा एक बेहतरीन वीडियो एडिटिंग है, लेकिन हमारे पास पीसी नहीं है तो क्या फोन में इस्तेमाल कर सकते हैं? कौन सी ऐसी बेहतरीन एप्लीकेशन है जो कि वंडर शेयर फिल्मोरा के इक्विवेलेंट काम करे? नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। हाजिर है आपका अपना बंदा टेक्निकल बंदा एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वंडर शेयर फिल्मोरा को कैसे आप स्मार्टफोन में चला सकते हो। आपको पता है कि ये पीसी की एप्लीकेशन है, तो आप इसको स्मार्टफोन से कैसे चला सकते हो? इसका एक छोटा भाई है, ठीक है। हाँ, वंडर शेयर की एप्लीकेशन है, कोई फालतू का मोडेड एप्लीकेशन आपको सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो चलिए सिखाऊंगा आपको सारा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे इसको फोन में चला सकते हो एंड कैसे वीडियो एडिटिंग को परफॉर्म कर सकते हो और अपने यूट्यूब वीडियोज पे, इंस्टाग्राम पोस्ट पे, इंस्टाग्राम रील्स पे या किसी भी शॉर्ट या लॉन्ग प्लेटफॉर्म पे वीडियोज डाल के अच्छे खासे व्यूज, सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स गेन कर सकते हो। छोटी सी रिक्वेस्ट है, एंड तक देखना, तभी समझ में आएगा कि जब भी कोई ट्यूटोरियल वीडियो होती है तो आपको पूरा देखना चाहिए, नहीं तो आपको कुछ स्टेप्स मिस कर दोगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। डाउनलोड कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर डाउनलोड कर सकते हो, थोड़ा आपको बेनिफिट होगा, समझदार होगे तो समझ जाओगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस टाइप के वीडियोस में इंटरेस्ट है तो आप हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हो, हमारे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। एज यू नो, मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं टेक्निकल बंदा बी टू लर्न। तो स्टार्ट करते हैं गाइस बिना किसी देरी के, और आपको जो ये एप्लीकेशन है फिल्मोरा गो का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। मैंने भी प्रो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको भी प्रो चाहिए तो चेकआउट कर लेना, लिंक मिल जाएगा। वैसे आजकल नेट पे वो वाली चीज़ें सर्च करना बहुत ईजी हो गया है, आप बहुत ईजी तरीके से इसका फ्री वर्जन ले सकते हो, बट मैं ऐसी चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। थोड़ा डेवलपर को पैसे दो, सपोर्ट करो, वो अच्छी चीज़ आपके लिए बनाएगा। खैर, अगर पैसे नहीं है तो उसको ट्राई कर सकते हो। इसी देरी के अब सारे एप्लीकेशन को डिटेल में चेक करते हैं और आप कैसे इसमें एडिटिंग कर सकते हो मैं बताता हूँ। और जितने भी आपको पीसी में जितना भी सेटिंग मिलते हैं एडिट करने के लिए फिल्मोरा गो के अंदर, वो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको जो टैम्पलेट देखने के लिए मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसमें काफ़ी सारे इफेक्ट्स दिए हुए हैं। देख लो, जैसे आप ऑल वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे ना, बहुत सारे इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ से सेगमेंट चूज कर सकते हो, एक भूतपूर्व एप्लीकेशन था टिकटॉक उसके लिए वीडियोस, इंस्टाग्राम्स के लिए म्यूजिक बीट, ठीक है, साइबर पंक, ऐसे बहुत सारे चीज़ें, बस आपको क्लिक करना है एंड आपको अपनी इसमें इमेजेस ऐड करनी है और वो ऑटोमेटिकली एडिट कर देगा। अभी मैं आपको एक डेमो भी दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, बीच में छोड़ के मत जाना, ठीक है। अभी ये व्लॉग वाली वीडियोज़ है, आप बर्थडे वीडियोज़ बना सकते हो, सारी चीज़ें बना सकते हो। देखो, मेरा प्रो वर्जन है तो मैं इसको इस्तेमाल कर पाऊँगा। चलो, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, ठीक है, 17 सेकंड का है। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, इसके अंदर आपको कुछ वीडियोज़ फोटोज़ ऐड करने पड़ेंगे, तो मैं थोड़ा ब्लर कर दे रहा हूँ और ऐड करके दिखाता हूँ। फाइनली कुछ वीडियोज़ मैंने ऐड ऑन कर लिया है और ये ऑटोमेटिक जो है वो कोड कर रहा है एंड इसके बाद एक वीडियोज़ देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने 5 फोटोज़ इसलिए लगाए हैं कि भाई कॉपीराइट का इशू आ सकता है, इशू मतलब म्यूज़िक का, तो मैं म्यूज़िक म्यूट कर दूंगा। देख लो, 1 क्लिक के अंदर जो हमारा फोटो है वो एडिट हो गया है। देखो, मुझे इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट एडिटर मुझे मिल जाएगा। तो मैं अगर इसमें कुछ एडिट करके नाम उम लिखना चाहूँ तो भी मैं अपने हिसाब से एडिट कर सकता हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। देखो, मैं अगर यहाँ से एडिट कर दूँ इसको, तो मैं इसको यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ। वीडियो डेफिनेटली थोड़ी लंबी बनेगी लेकिन डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो खैर, आप इस तरह चीज़ों को ऐड कर सकते हो एंड लास्ट में इसको एक्सपोर्ट कर दोगे, एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये तो वो तरीका था जिसको आपको ऑटोमेटिक करना है, अगर मैनुअल करना है, ऑटोमेटिक में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे इफेक्ट्स दिए हैं, तो उसको आप, मैं रिकमेंडेड करूँगा आपको, उसको मस्ट ट्राई करो एंड यार आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और कभी भी निराश नहीं करेगा। अब आ जाते हैं एकदम फ्रंट वाले ऑप्शन पे, तो अभी यहाँ पे किसी की बात नहीं करेंगे, यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड मैंने सिंपली एक वीडियो रखा हुआ है इसको एडिट करने के लिए, तो मैं इसको अब एडिट करूँगा। यहाँ से क्लिक करेंगे एंड इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब ये गाइस डिपेंड करता है, मैंने इस वीडियो को ऐसे रेशियो में एडिट रखा हुआ है, आप इसको 16:9 रेशियो में शूट करना तो वो अपने हिसाब से इसको एड ऑन कर लेगा। अब बात करते हैं ट्रिम सेक्शन की। सपोज़ मुझे कोई चीज़ यहाँ से काट के हटानी है तो मैं यहाँ पे रखूँगा एंड देन से मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, बहुत सारे ऑप्शंस मुझे देखने के लिए मिल जाएंगे। म्यूज़िक इससे मैं अलग से डाल सकता हूँ, यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, अलग अलग इफेक्ट डाल सकता हूँ यहाँ से। अब इसकी ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ या इसमें वॉइस ओवर कर सकता हूँ। फिलहाल हमें ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है, सिर्फ ट्रिम करना है। ट्रिम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा आप अपने इमेज फोटोज़ को अगर ट्रिम करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। स्प्लिट 20 से काट देंगे तो ये अलग, जैसे हम लोग काइन मास्टर में यूज़ करते हैं 20 से स्प्लिट कर दिया, वो अलग हो गया, अलग हो गया। इन दोनों के बीच में कुछ एनिमेशंस डालने हैं, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, मतलब
अगर व्लॉग एडिट करना है या कुछ भी चीज़ एडिट करना है तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से लगेगा। चलो इसको मैं एक बार मैं प्ले करके भी दिखाता हूँ आपको कैसा इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से हम आते हैं एनिमेशन पे, टॉप पुट ऑन कर देंगे। इसके पास जहाँ भी कट वाला ऑप्शन है ना वहाँ पे क्लिक करो, एनिमेशन वाले सेक्शन में है, एंड देन आपको इसको पुट आउट कर देना है। देखो कैसा लगेगा देखने के लिए, सही लगे तो टिक मार दो, हो जाएगा। और बाकी आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो ऐसे उंगली से पिंच करके, एंड अगर इमेज को क्रॉप करना है तो कर सकते हो। देख लो 1:1 रेशियो में, 60:9 रेशियो में, तो मैंने शूट ही नहीं किया है, तो इस हिसाब से अपने आप जो इमेज है या वीडियोस है उसको भी एडिट कर सकते हो। फिलहाल हम रखेंगे 9:16 रेशियो में एंड इसको ओके कर देंगे। बाकी स्पीड का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आपने क्लिप को कितना फास्ट कितना स्लो लेके जाना चाहते हो जो हर चीज़ में देखने के लिए मिल जाता है वो मिल जाएगा। रोटेट कर सकते हो पूरे फोटोज़ को, इमेजेस को इधर से उधर, फिल्टर लगा सकते हो जिससे आपका जो फोटोज़ और वीडियोज़ है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो फिल्टर भी लगा सकते हो वीडियोज़ में, एक क्लिक के अंदर पूरा फिल्टर सारे वीडियोज़ पर अप्लाई हो जाएगा। और वरना यहाँ पे अप्लाई ऑल का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो अप्लाई ऑल पे जैसे टिक मारोगे पूरे क्लिप के अंदर ये फिल्टर लग जाएगा। देखो कितना बेहतरीन क्लिप लग रहा है, और मैं अपनी कुछ वीडियो से जरूर इसमें से एडिट करूँगा। अब यहाँ पीप का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आप इसमें और भी कुछ सारे फोटोज़ ऐड ऑन कर सकते हो। तो मैं फटाक से फोटो ऑन ऐड कर देता हूँ इसमें। देखो ऐड ऑन हो गया ये फोटोज़, अभी यहाँ पे सेट हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी अच्छी तरीके से मोशंस के इफ़ेक्ट्स कुछ देखने के लिए मिल जाएंगे। ये जो इमेज आए वो किस तरीके से आए, किधर से आए, कहाँ से ना आए, इसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट सब कुछ करने के बाद ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया, जैसे एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे तो 1080 तक का और 60fps तक आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है किसी भी वीडियोज़ के लिए। जैसे मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक करूँगा फुल HD में जो ये हमारा वीडियोज़ है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। आई होप मैंने सारी चीज़ आपको कवर कर दी, अगर कुछ छूट गया हो तो आप खुद से भी एक्सपेरिमेंट करो, डेफिनेटली आप उसको एडजस्ट कर पाओगे। बाकी आप वाटरमार्क डाल सकते हो, अपना कोई वाटरमार्क, चैनल का वाटरमार्क, वो आपकी ब्रांडिंग शो करने लगेगा कि ये आपका ब्रांड है। बाकी कुछ एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट मतलब इमेज का ब्राइटनेस हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, ये सारी चीज़ों को आप वन क्लिक के अंदर एडिट कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल जितना फीचर उसमें देखने के लिए मिलता है उतना फीचर इसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा बहुत अगर कम बेसी है तो भाई डेफिनेटली इसे वो PC वाला है, एंड ये जो है ये मोबाइल वर्जन है। तो वैसे ओवरऑल एक अच्छा है, ट्राई करना, कोई दिक्कत परेशानी आए तो कॉमेंट करके बता देना। तो देखा कितना सिंपल तरीके से फिल्मोरा चल गया आपके फ़ोन के अंदर। अब बस देर मत करो यार, जाओ फटाफट से वीडियोस बनाओ और अच्छे खासे फॉलोवर व्यूज़ गेन करो। अगर आपको लगा कि हमारी वीडियो से आपकी लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड हुआ तो प्लीज़ एक थम्स अप दे के हमारा मोटिवेशन बढ़ा देना। जिस भी टॉपिक की वीडियो चाहिए कमेंट करके बताओ, और ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट कर देना, हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। शेयर कर देना दोस्तों साथ, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तीनों जगह आपका भाई टेक्निकल बंदा वन नाम से। तो आओ फॉलो करो, बातें करेंगे, मिलते किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑलवेज कुछ नया सीखते रहिए।